पब्लिक टीवी आपकी आवाज। लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के बाद अब पुलिस प्रशासन की नजर मतगणना कराने को लेकर मतगणना को शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस ने पूरी तरह से कमर कस ली है। आपको बता दें कि दंगा नियंत्रण स्कीम के तहत संभल जिले में संवेदनशील एवं अति संवेदनशील स्थानों पर पुलिस ने रिहर्सल किया और दबंगइयों को मतगणना के दौरान किसी प्रकार की हरकत करने पर कार्रवाई की सख्त चेतावनी दी है। बता दें कि यूपी के संभल जिले में दंगा नियंत्रण स्कीम लागू की गई है, जिसके तहत आज जिले भर की पूरी पुलिस फोर्स को संवेदनशील एवं अति संवेदनशील स्थानों पर रिहर्सल कराया गया। पुलिस कप्तान यमुना प्रसाद के नेतृत्व में पुलिस फोर्स को रिहर्सल कराया गया, जहां उन्हें साफ तौर पर बताया गया कि दंगा नियंत्रण स्कीम के तहत पुलिस को दबंगई से किस तरह से निपटाना है। जनपद संभल में एंटी राइड स्कीम लागू किया गया है। आने वाले जो हमारा ये त्यौहार चल रहा है इस समय, उसमें और आने वाला जो मतगणना है इसको ध्यान में रखते हुए सभी स्कीमें लागू की गई हैं। जनपद में येलो स्कीम, ग्रीन स्कीम और रेड स्कीम लागू की गई थी दंगा नियंत्रण स्कीम के तहत में, और सभी जो सेंसिटिव पॉइंट्स हैं हमारे, वहाँ पर हमारा पुलिस बल पहुँचा था, उन लोगों ने चेक किया। पूरे जो संभल क्षेत्र है इसको 3 जोन और 11 सेक्टर में बांटा गया है। इसमें 31 पॉइंट हमारे चिन्हित किए गए थे, मुख्य रूप से जो संवेदनशील हैं, इसमें धार्मिक स्थल हैं, जितने भी सांप्रदायिक स्थल हैं सांप्रदायिक रूप से सेंसिटिव हैं, जितने हमारे सराफा मार्केट है, पेट्रोल पंप है, जितने हमारे व्यापारी बंधु हैं, वीआईपी सुरक्षा है, इन सभी को इसमें लागू किया गया था। सभी हमारे थाना क्षेत्र के जो हमारे प्रभारी आए थे, हमारे सीओ साहबान, एडिशनल साहबान, सब उन क्षेत्रों से फैमिलराइज हो जाएं। अगर कोई आकस्मिकता की स्थिति उत्पन्न होती है तो तत्काल उन क्षेत्रों में पहुँच करके उसको टेक ओवर करें और वहाँ पर जो भी प्रभावी कार्रवाई है उसको तत्काल सुनिश्चित करें। जैसे एम्बुलेंस मंगाना हुआ, फायर सर्विस की गाड़ियां मंगानी हुई, बैरियर पिकेट ड्यूटी लगानी हुई, ये सब लगा करके उस एरिया को सैनिटाइज करें और कम से कम कैजुअल्टी कैसे हो और कैसे ही दंगाइयों पे या जो न्यूसेंस करने वाले तत्व हैं उन पर प्रभावी कार्रवाई की जाए, इन सभी को सुनिश्चित करने के लिए आज जनपद संभल में एंटी राइट स्कीम लागू की गई थी, जो बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ सफल हुई।